वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज यानी आयु से संबंधी प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने एवरेज का चैप्टर जो है कंप्लीट करा चुका था काफ़ी अच्छे तरीके से, तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं, आशा करते हैं आप लोगों ने सभी जो है वीडियो को शेयर कर देंगे, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहेंगे ताकि जो है अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करा सकें, और वीडियो को जो है एक बार लाइक कर दें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको पीडीएफ या कॉम्पिटेटिव बुक का पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा वेबसाइट है, आप ये इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे बहुत सारे ट्रिक वगैरह मिलेंगे और सभी जो है चैप्टर वहां पे पीडीएफ रूप में मिल जाएंगे। क्वेश्चन है कि उदय और आर्यन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है तथा उनकी आयु का योग 54 वर्ष है, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है। देखिए, उदय और किसका, उदय और आर्यन की जो है 5:4 है, यानी ये 5 और 4 ये 9 रेशियो किसके बराबर है, 54 के बराबर है। तो 1 रेशियो बराबर 9×54, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 5×6=30, और 4 रेशियो बराबर 6×6=24। तो इसमें दोनों की वर्तमान आयु कितनी होगी, उदय का कितना हो गया, उदय का हो गया 30 और आर्यन का कितना हो गया 24। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, रोहन और कल्याण की वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है 40 वर्ष, ये वर्तमान दिया हुआ है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु 3:1 का अनुपात था तो उनकी आयु वर्तमान आयु ज्ञात करिए। देखिए, अब ये 4 ये दिया है वर्तमान आयु का योग, और यहाँ पे 4 वर्ष पहले, तो इन दोनों को बराबर करेंगे ना। अब 4 वर्ष पहले है उसको वर्तमान में लाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्तमान में लाने के लिए, यानी देखिए 40 जो दिया हुआ हमारा वर्तमान है, अब ये 4 वर्ष पहले करें, जब दो आदमी के लिए 4 वर्ष पहले कितना होगा, 4×2 यानी 8 वर्ष अगर हम कम कर देंगे तो ये जो 32 वर्ष हमारा आएगा, 32 वर्ष आएगा ना, 4 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी आ जाएगा, 32 वर्ष। तो यही जो है कह रहा है कि 3:1 का जो रेशियो है 32 के बराबर होगा। 4 वर्ष पहले हमने इसके बराबर ला दिया 32, अब ये 4 रेशियो बराबर 32 हो जाएगा, तो 1 रेशियो बराबर 8, तो अनुपात दिया है कितना, 3:1, तो 3 रेशियो बराबर हो गया 24 और 1 रेशियो बराबर 8। तो ये हमारा 3 वर्ष 4 वर्ष पहले आया है, अब ये वर्तमान आयु ज्ञात करना कह रहा है, तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु जो है निकल जाएगा, यानी ये 28 और ये 12, 28:12 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अब देखिए राधा और डॉली का वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है 32 वर्ष, अब 32 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है, ये वर्तमान है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु, अब दो आदमी हैं तो 6 वर्ष बात करें तो 6×12, यानी अगर हम ये 12 इसमें इंक्लूड कर देंगे तो ये हो जाएगा 44, यानी 6 वर्ष बाद उनकी आयु के जो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, और ये किसके अनुपात के बराबर होगा, 6:5 के, यानी 6:5 का जो रेशियो हमारा आएगा 44, यानी 6×5=11 बराबर 44, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 4,
अनुपात कितना है 6:5, यही ना। तो ये हो जाएगा 6×6=24 और ये 6×5=30 और ये आ रहा है 6 वर्ष बाद, ये जो अनुपात हमारा आया 6 वर्ष बाद, लेकिन निकालना है वर्तमान, तो दोनों में 6 घटा देंगे, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा ये कितना, ये 20 होगा ना, सॉरी 5×20 होगा, 6×6=24 और 5×20, तो ये हो जाएगा 14। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18:14, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लोग भी जो है स्टूडेंट जुड़ चुके हैं चैनल पे अभी तक, जो है जो लोग लाइक नहीं किए हैं एक बार वीडियो को जो है लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में जो है शेयर भी कर देंगे इसको। नेक्स्ट है, कह रहा है अजीत और अमर की वर्तमान आयु, अजीत और अमर की, अजीत है, जीत को ए जे लिखते हैं, अमर को एम लिख देते हैं, इसकी वर्तमान आयु दिया है 8:7, 4 वर्ष बाद उनकी आयु 9:8 हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान आयु देखिए, अब 4 वर्ष जोड़ा जा रहा है दोनों में, तब अनुपात हो रहा है 9:8। तो अब जो है हम क्या करेंगे, लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा देंगे इसमें और इसमें, गुना करके डिफरेंट कर देंगे, यानी 88 64 और 9 63, यानी 88 64 और 9 63 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, यानी 1:1 बराबर, अब इसमें इसमें गुना करेंगे तो ये 8×32 और 9×36, यानी 36 - 32 कितना 4, यानी 1:1 बराबर कितना 4 आ जाएगा, तो 1:4 तो 8:8 8×32 और 7×28, यही निकालना था ना। तो 32 और 28 जो है हमारा क्या आ गया इसका, अजीत और अमर का वर्तमान है, ठीक है। नेक्स्ट जो है पिछले जो है क्वेश्चन जो भी हमने रिवाइज कराया वो उदाहरण के सवाल थे, अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होता है। कह रहा है कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है, अगर उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में हो तो उनमें से सबसे बड़े की आयु कितने वर्ष होगी। अब देखिए 3 व्यक्तियों की औसत आयु है तो कुल जो कितना होगा 3×33 यानी 99, और ये 99 किसके बराबर जाएगा, 2×3×5 5×9 यानी 9x या 9:99, तो एक्स बराबर 11×99, ठीक है एक्स आ गया। तो कह रहे हैं सबसे बड़े कितना है 4x है, तो 4x बराबर 4×11 11×44 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 कह रहे हैं माँ और बेटे के उम्र का अनुपात 7:3 है, यदि उनके इनके उम्र का योग 60 वर्ष है तो उनके उम्रों के बीच अंतर देखिए 7:3 यानी 10:10 किसके बराबर 60 के, 1:6 6 के बराबर, तो दोनों का अंतर ना, माँ की उम्र कितना है 7:1 है, 7×6 42 हो जाएगा माँ की, और बेटे की 3×3 6 18, और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 24। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, स्त्री तथा लड़की की उम्र का अनुपात 4:5 है तथा यदि उनके उम्र का योग 81 साल है तो 9 साल बाद, देखिए वर्तमान दिया हुआ है तो 4:5 यानी 9 4:5 है यानी 9:81, तो 1:9 तो 4:1 कितना हो जाएगा, 4 और 5 ना, ये हो जाएगा 9×36 और ये 9×5 45,
तो ये तो वर्तमान आ गया। अब 9 साल बाद कह रहा है उनकी, तो 9 दोनों में इंक्लूड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 54, कटेगा 9 × 5 = 45 और 9 × 6 = 54, यानी 5:6 जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 4 है, कह रहे कमल तथा सिंभू के उम्र का अनुपात, एक कमल है और एक सिंभू है, इसका उम्र का अनुपात दिया है 7:4, उनके उम्र का योग 44 है, यानी 7:4 का योग 11:44, तो 1:4 हो जाएगा 4, ठीक है, तो 1:4 तो 7:4 ये हो गया 28 और ये हो जाएगा 16, ठीक है। अब 8 साल बाद शंभू तथा कमल के उम्र का अनुपात, अब ये जो है 28 आया तो 8 साल बाद कितना हो जाएगा 28 × 8 = 36 और ये 16 हुआ कितना हो गया 24, तो ये 8 साल बाद हमारा आ गया, दोनों में हमने 8 इंक्लूड कर दिया, ठीक है, तो 36 और 24। अब कह रहा है शंभू तथा कमल, यानी शंभू का पहले, शंभू का कितना है 8 साल बाद 24 और कमल का 36 और इन्हीं का अनुपात, तो 12 × 24 बढ़ती आई 36, 2:3 हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले कमल और शंभू था लेकिन यहाँ पे कर दिया है शंभू तथा कमल, तो इसमें जो है मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि चंद्रिका तथा गोमती की वर्तमान आयु कितनी है, 4:5 है, ठीक है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाता है 80 वर्ष है। अब ये वर्तमान आयु 4:5 है, वर्तमान का दिया हुआ है तो अनुपात दिया है तो वर्तमान करना पड़ेगा ना इसको 80 को, तो ये 4 वर्ष बाद है तो इसको वर्तमान करने के लिए हम क्या करेंगे, दो आदमी है तो 4 × 2 = 8 अगर माइनस होगा तो ये वर्तमान में नहीं आ जाएगा, यानी 80 - 8 कितना आ जाएगा 72, ये हमारा आ गया वर्तमान आयु, यानी ये 4:5 किसके बराबर 72 के बराबर, यानी 9:72 तो 1:8, तो 4 और 5 का रेशियो कितना 32 और 40, ठीक है। अब कह रहे तो ये तो हमारा कितना आ गया, ये जो हमारा आयु रेशियो आया 4:5 क्या वर्तमान का आया, ठीक है ना, वर्तमान का आया, वर्तमान का पहले से ही दिया हुआ था, तो बाद का क्या होगा, दोनों में 4 वर्ष जोड़ देंगे तो ये 36:44, अब कटेगा तो काट दें, 9 × 36 = 44, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो आज का सेशन जो इतना ही पे समाप्त होता है, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को जो है एक बार वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में जो है शेयर कर दें, और आपको GK GS मैथ का PDF चाहिए तो जो है ये इस वेबसाइट पे विजिट करके आप जो है वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका लिंक जो है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें।